बिग बॉस सीजन 12 में इस हफ्ते कैप्टन बनने के लिए हिटमैन टास्क काफी इंटरेस्टिंग रहा। इस टास्क में कंटेस्टेंट के बीच जबरदस्त पंगा देखने को मिला। इस सीजन के मास्टरमाइंड कहलाने वाले खिलाड़ी रोमिल चौधरी ने अपने शातिर दिमाग का यूज करते हुए घर के नए कैप्टन बने। दरअसल कलर्स द्वारा जारी किए गए प्रोमो में रोमिल घर के नए कैप्टन हैं। इसी के चलते बिग बॉस ने रोमिल को कहा कि घर में 3 सदस्यों को काल कोठरी के लिए चुने, तो रोमिल पहले मेधा और शिवाशीष का नाम चुनते हैं। अब तीनों ही अपना नाम सुनते ही रोमिल से लड़ने लगते हैं और तीनों ही काल कोठरी में जाने से मना कर देते हैं। लेकिन शिवाशीष ज्यादा बोल जाते हैं। वो कहते हैं चाहे कोई भी आ जाए, भले वो बिग बॉस ही क्यों ना हो, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। तो इसी बात पर रोमिल बिग बॉस को कहते हैं कि शिवाशीष बिग बॉस की बातों का उल्लंघन कर रहे हैं। तभी बिग बॉस शिवाशीष की इस हरकत के वजह से अगले हफ्ते घर में रोमिल को छोड़कर बाकी सभी सदस्यों को बेघर होने के लिए नॉमिनेट कर देते हैं। तो इसी बात पर सोमी शिवाशीष से लड़ने लगती हैं। खैर, अब देखना यह है कि काल कोठरी की हवा इस हफ्ते किसके नसीब में है।